जी हाँ, देखना ना भूलें दूरदर्शन उत्तराखंड पर हर रविवार रात 8 से 9 बजे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम आवाज सुनो पहाड़ों की। अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम अपर हिमालय रहने के बाद अगर आप राजधानी की ओर आ जाएं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। हो 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 चौपला कज बंदे का गीत देव तो का मंडन लगदा मेरा पहाड़ रीत और इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पहाड़ों की आवाज सुनो वास्तव में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमारी जो आवाज है, हमारे पहाड़ों की आवाज है, वो संपूर्ण भारतवर्ष और दुनिया में जाएगी। और मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पर एक से एक कलाकार हैं, एक से एक प्रतिभाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। बहुत ही शानदार अभिनय हमारे बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। मैं इन बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इन प्रतिभाओं को आगे लाने का ये जो इस प्रकार का मंच होता है, सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है। मेरा भी जीवन बचपन मेरा पहाड़ों में ही, मैं पैदा हुआ हूँ, पहाड़ों में ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने नजदीक से इन सबको देखा है। हम सबको देखने को मिलता है कि हमारे युवा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको अग्रणी रहना है, तभी हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएंगे। आज जिन बच्चों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में जिन बच्चों को अपनी कला प्रदर्शन का कोई मंच या मौका नहीं मिल पाता था, उन सबको भी आज यहाँ से मंच देने का काम हो रहा है। मैं उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ और इसके लिए हमारी जो रोथाड़ जी की टीम है शारदा स्वर संगम, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं। और यह मंच जहां पलायन है, बेरोजगारी है, हमारे यहाँ की जो अच्छी और जिनको हम ठीक कर सकते हैं दोनों प्रकार की बातें हैं, उनको भी एक रास्ता दिखाने का काम करेगा, मार्गदर्शन का काम करेगा। पुनः मैं आप सभी लोगों को बहुत अपनी तरफ से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि यह ऑडिशन हमारा बहुत सफल हो और दूरदर्शन पर देखकर लोग निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बारे में अपनी अच्छी सोच बनाए, अच्छे विचार बनाए। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन उत्तराखंड पर हर रविवार रात 8 से 9 बजे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम
आवाज सुनो पहाड़ों की।